जय श्री राम दोस्तों, आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया के बारे में। अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही खास होता है। यह अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। इस दिन किए गए दान, धर्म, पुण्य, खरीदारी अक्षय फल प्रदान करते हैं। साथ ही व्यापार, व्यवसाय, नौकरी और जिस भी क्षेत्र में आप तरक्की करना चाहते हो तो इस दिन इन उपायों को जरूर करें। तो आइए जानते हैं क्या करना है इस दिन। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ को लक्ष्मी प्राप्ति के लिए यह छोटी सी चीज जरूर अर्पित करें, जैसे कि बेलपत्र। बेलपत्र में वैसे तो 3 पत्तियां होती है, लेकिन अगर आपको 4 पत्ते वाला या 5 पत्ते वाला बेलपत्र मिल जाए तो उसे भोलेनाथ को अक्षय तृतीया के दिन अर्पित करने से आप अपार धन संपदा के मालिक बन जाएंगे। इसके अलावा अक्षत का सिर्फ 1 दाना, अक्षत मतलब चावल, चावल का सिर्फ 1 दाना पूर्ण अक्षत होना चाहिए। इसका सिर्फ 1 दाना भोलेनाथ को अर्पित करने से अक्षत फल की प्राप्ति होगी। अक्षत यानी अक्षय कभी भी समाप्त न होने वाला। 1 चावल का दाना और 1 बेलपत्र अपने हाथों में ले, बेलपत्र पर चंदन लगा ले और अपनी मनोकामना मन में बोलकर यह शिवलिंग पर अर्पित कर दे। आप अपार धन संपदा के मालिक बन जाएंगे। और अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौड़ियाँ, 11 कौड़ियाँ अवश्य खरीदे और इन्हें माँ लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर दे। साथ ही हल्दी की 5 गांठें लाल वस्त्र में बांधकर माँ लक्ष्मी को जरूर समर्पित करें। 1 चांदी का सिक्का या चांदी की कोई भी वस्तु ले और उस पर गंगा जल छिड़क कर उस पर हल्दी, कुमकुम और अक्षत रखकर पूजा करें। श्री यंत्र हो तो उसकी भी पूजा करें। साथ ही दक्षिणावर्ती शंख अगर आपके घर में है तो उसकी भी विधि विधान से पूजा करें। न हो तो इस दिन जरूर घर ले आए और उसकी पूजा करें। और ध्यान रहे दोस्तों, आपको माँ लक्ष्मी के साथ साथ लक्ष्मी नारायण की भी पूजा करनी है, तभी आपकी पूजा स्वीकार होगी। और इस दिन चावल की खीर का भोग बनाना बिल्कुल ना भूलना, इससे माँ लक्ष्मी बहुत शीघ्र ही प्रसन्न होती है। इसके अलावा इस दिन एक नया घड़ा जरूर खरीदे और उसमें पानी भर दे और हो सके तो 1-2 आंवला भी इसमें डाल दे। यह बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। अक्षय तृतीया के दिन सोने या चांदी की कोई भी वस्तु आप घर में ला सकते हैं। उसे घर लाकर गंगा जल से पवित्र करें और उसकी विधि विधान से पूजा करें। अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। इस दिन आप कोई भी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं बिना किसी मुहूर्त के। आपको अपने कार्य में सफलता जरूर मिलती है। तो दोस्तों, यह थे अक्षय तृतीया के दिन करने वाले कुछ मंगलकारी उपाय। आपको इसमें से जो भी अच्छा लगे, जो भी आपके सुविधा अनुसार हो, उसे जरूर कर लेना। आप और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी।